आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। अब्बा कहाँ हैं? आते ही होंगे, राजा भैया से पैगाम भिजवा दिया हमें। बेटा बहुत मुबारक हो आपको, बहुत प्यारी लग रही है। रह गया है वो, फोन करो उसको। एक्चुअली मैं खुद करती हूँ, एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ हो तुम? आई एम लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। मेरा कुछ खो गया है, उसे देख रहा हूँ। डोंट टेल मी दिस। अब ये ना कहना कि तुम्हारा सेल फिर खो गया है। जल्दी आओ, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। बाय। सब ठीक है? सोच में घूम। कुछ नहीं। वैसे
हमारे ससुराल वाले कितने अच्छे लोग हैं ना, दिखावा और बनावट बिल्कुल भी नहीं है उन लोगों में। मुझे समीर ज़ादे की माँ का दिखावा बिल्कुल ठीक नहीं लगा। आज सोचकर उन्होंने बीजी के हाथ में इतने सारे नोट थमा दिए, मुझे तो बीजी पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ओ, तो तुमने भी देख लिया था सारा तमाशा? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, और उस वक्त बीजी बेचारी क्या करती, बस ये तमाशा लग जाना था। उस औरत का तो मकसद ही इलाके की औरतों के सामने ड्रामा करना था अपनी अमारत का रोक झाड़ने के लिए। कितना नखरा था ना उसके अंदाज में। आखिर माँ किस दुनिया के सबसे बड़े दिखावेबाज और नखरेबाज। आपी, सच कहूं तो मुझे ना उसकी आंखों में पछतावा नजर आ रहा था, शदीद पछतावा। उसके पछतावे कि उसकी नजरों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इस बात की जलन है कि मेरी मंगनी ठीक उसी दिन हुई है जिस दिन उसको ये ड्रामा करना था। वो तो यही सोच रहा होगा कि मैं उसकी जुदाई में जोगन बनी जंगलों में निकल गई होंगी। वो नहीं जानता कि उसका पाला धानी से पड़ा है। हाँ, देखा था मैंने तुम्हें देखते ही कैसा हक्का पक्का रह गया था, जैसे सांप सूंघ गया। अमीरजादों के लिए हम जैसों की तकरीबा सिर्फ एक तमाशा होता है। तमाशे तो देखने आई थी ये सब। कह दूंगी अब्बा से कल जाके इनके पैसे और इनके जेवरात लौटा आए और शुक्रिया कर देगा। हमें कोई जरूरत नहीं इनके तोहफों की। अच्छा खैर छोड़ो, अपना मूड ना खराब करो ना। अब तुम सिर्फ अपने होने वाले उनके बारे में सोचो। खास मत करो शाम, सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर में बीजी भी आती होगी। सो जाओ। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा यार। समीर तू चाहता क्या है यार, बता दो तू चाहता क्या है। एक बार मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार यार, बस। क्या होगा, क्या होगा उससे एक दफा मिलने? क्या होगा यार, मैं नहीं जानता क्या होगा, नहीं जानता मैं क्या होगा। देख मेरा दोस्त है, मुझे एक बार उसे मिलवा दे जिंदगी भर, तुझसे फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा यार, एक बार मिलवा दे उसे मुझे। अच्छा मैं करता हूँ यार। या तू जानता है इतना आसान नहीं है भाई। मैं मानता हूँ आसान नहीं है, लेकिन मेरे दिल से एक कांटा तभी निकलेगा जब मैं उससे अपने दिल की बात कहूंगा यार, मेरी कैफियत समझ ना। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मिलवाऊंगा मैं तुझे उससे। तू करेगा ना? मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तुझे करना होगा। मैं करूंगा मेरे भाई, मैं करूंगा। रिलैक्स रिलैक्स, चल चले अभी घर चला। अच्छा बाय गाइस। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता क्या करूं, दम निकलता नहीं है। ये तुम्हारे ससुराल की तरफ की मिठाई है, इसलिए तुम्हें तो ज्यादा ही मीठी लगेगी। भाई आपको पता है धानी माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, आप साथ चलते तो आपको फिर पता चलता। क्यों मम्मी? अच्छा जी, तो ले जाते मुझे भी साथ। एक तो आप लोगों ने मेरा रिश्ता भी वहां किया जहाँ मुगल दौर की रवायात अभी जिंदा है। बदमाश, अपने होने वाले ससुराल को मुगलिया दौर की बाकियात कह रहा तू? हाँ, अरे उनकी यही रिवायत देखकर तो हमने उस खानदान से रिश्ता जोड़ा। तुम माँ बेटी ना भाई और बेटे के मजाक को भी नहीं समझ पाए, वो तुम लोगों से छेड़छाड़ कर रहा है।
बेशक ये शरारत करता रहे, मगर शाम को ससुराल वालों के सामने ऐसी बात ना कह देना। वो लोग आ रहे हैं शाम को तुम्हें अंगूठी पहनाने। अम्मी, अगर भाई को इतराज है कोई, या भाई समझते हैं कि वो लोग जरा पुराने ख्यालात के, तो आप इनकार कर दें। अच्छा जी, चलाको मासी। अच्छा ना, नहीं मना करेंगे, नहीं अंगूठी वापस करेंगे, अब तो छोड़ दें। अब भाई की बात भी पकड़ने लगी है। अच्छा नहीं करते मना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? ओए राजा पैदल आ रहा है। अरे गिले, ओ उस्ताद आ गया तू। तुझे कितनी दफा कहा इसके प्लग साफ कर दिया कर, तू छुराई नहीं देता। ओ झटके मार मार के बंद हो रही है ये। दिल करे इसके साथ साथ तुझे भी आग लगा दूं। उस्ताद तीन दिन पहले के प्लग साफ करवाए थे, पेट्रोल ही मार्केट में दो नंबर है। चक्कर से तू जिरते ही रहता है। अजीब मुल्क है अपना, प्लग साफ करो तो पेट्रोल में कचरा, सारा निजाम ही दो नंबर है। उस्ताद आज तो दुकान पे कैसे, आज तो तुम लोगों ने लड़कियों का अंगूठी पहनाने नहीं जाना था। क्या कहा तूने? ओए मैं किसी को अंगूठी क्यों पहनाने जाने लगा? ये तो औरतों के काम है। और तू सुनो शपड़ गुल्ले, अपने काम से काम रखा कर, सारा दिन बेवजह की बकवास करता रहता है। यार राजा छोड़े से, माफ कर दे से, छोड़। उस्ताद खुदा की कसम आज के बाद एक लफ्ज नहीं निकालूंगा जुबान से, माफ कर। चल जा, दफा हो जा। और मेरे साथ कोई ज्यादा बकवास ना करे, आज दिमाग खराब है मेरा। ओए उस्ताद, ओ तू केले जलता थरता रहता है। ओए अभी चार दिन नहीं गुजरे तेरे, सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी उसके बगैर? और मैं तो कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सोच ले। अगर तू कहता है तो हम सारे मिलकर जाकर शेख साहब के कदमों। खबरदार, खबरदार, तुम में से किसी ने ये बात भी की दोबारा। अब राजा को उम्र भर इसी आग में चलना है, और ये नसीब है अपना। अब मेरे मुंह कोई ना लगे, बता रहा हूं तुझे। लो जी आपा जी, मुबारक हो। मुबारक हो, खैर मुबारक। अल्लाह करे ये रिश्ता हम दोनों खानदानों के लिए बाई से बरकत हो, सबको खुश रखे अल्लाह करे। आमीन आमीन। वैसे धानी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी बीजी, आप इस बात का पूरा इत्मीनान रखिए। लो जी जब से हम आए हैं ना, लड़का खामोश खामोश बैठा है, कोई बातचीत ही नहीं कर रहा। क्या इसकी जुबान में लुकनत तो नहीं है? बुआ जी आपके एहतराम में चुप बैठा हूँ। क्या है कि हमारे यहाँ बड़ों के सामने नहीं बोला करते। बुआ जी हो गई आपकी तसल्ली? वैसे किसमें इतनी जुरत है जो आपसे अपनी जुबान की लुकनत छुपा सके, हर चीज की खबर रहती है आपको। लो मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं नहीं जानती हमारा अमजद कितना काबिल है। माशाल्लाह से मुकाबले का इम्तिहान पास करके ना इसने बड़ा अफसर बन जाना है। आपके मुंह में घी शक्कर बुआ जी। चलिए अब सब मुंह मीठा करें। सत्य खैरान शेख साहब, बड़ी मुबारक हो। घर वाली बता रही थी कि सारे काम ठीक तरीके से हो गए हैं और निशानी भी कर गए हैं वो लोग। हाँ पहलवान जी, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। तो वैसे भी ये औरतों की तकरीब थी, औरतों ने नुकसान। बहुत मुबारक हो, दानी भी अपनी बच्ची है डॉली की तरह, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। वैसे पहलवान जी आपकी दुकान के सामने से मैं जब भी गुजरता हूँ नजरें झुक जाती हैं, वो राजा की हमाकत की वजह से। बोल जाए शेख साहब, सब नसीब की बातें हैं, राजा अच्छा मुंडा है।
लेकिन हो सकता है डोली के नसीब में अल्लाह ने कुछ और रखा हो। ये तो आपका बड़ापन है बलवान जी, आला जरूरी है। से वो आपा कह रही थी कि बच्चियों ने खीर की फरमाइश की है तो दूध जरा ज्यादा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं शेख साहब, दूध बहुत, लेकिन एक शर्त है कि खीर में से सबसे पहले शानी पुत्री को कहना हमारा हिस्सा निकाल के जरा दे जाए। ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होता है, सबसे पहला हिस्सा आपा आपको ही निकालती है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। एक बात तो बता बाबू बोतल, ना तू बाज आता है सलाम करने से, ना वो बाज आते हैं लाहौल बिला पढ़ने से, आखिर चक्कर क्या है? जिसका जो काम है वो किए जा रहे हैं, बताएंगे किसी ना किसी दिन। किस दिन? इस सलाम और लाहौल की कहानी भी सुनाएंगे आपको पहलवान जी। फिलहाल ये काम का वक्त है, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करता हूँ। अरे अमजद बेटा, ये सारा काम तुम खुद क्यों कर रहे हो? मुझे बताना था ना। और ये लाडली बहन को पास किस लिए बिठाया हुआ है? तुम भाई के काम नहीं कर सकती हो? अम्मी मैंने कहा था, लेकिन आपको पता भाई को मेरे काम कहाँ पसंद आते हैं। अरे अम्मी जान, बस भी करें, क्यों बेचारी को थकाती हैं? और पैकिंग तो वो जो होगी, और हमेशा ये जो है ना, सारा सामान रखते रखते कुछ ना कुछ भूल जाती है। अम्मी देखा, इसीलिए मैं इनका कोई काम नहीं करती। और वैसे भी जब तक अपने हाथ से कोई काम ना करें, इन्हें इत्मीनान कहाँ मिलता है? अब अल्लाह करे धानी के आने के बाद ये हालात ना रहे। वैसे भाई आपने सारा सामान पैक कर लिया ना? हाँ। उनकी पिक्चर रखी है? अगर नहीं रखी तो मैं रख देती हूँ। देख रही है अपनी लाडली बेटी को? मेरी प्यारी सी नालायक बहन, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं सरकारी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं वहाँ मुगल शहजादों की तरह किसी नहर के किनारे बैठ के उसकी तस्वीर को देख के ठंडी ठंडी आहें भरते रहूं। ये मशगलात तुम्हें मुबारक। मैं क्यों ना देखूं? वो मेरे होने वाली भाभी हैं, और वैसे भी वो इतनी प्यारी हैं। आपकी मंगनी की बहुत सारी तस्वीरें मेरे मोबाइल में हैं, और मैंने अपनी तमाम सहेलियों को दिखाई हैं। आपको भी सेंड करूं? नहीं, ऐसा नहीं करते। क्यों अम्मी? नजर लग जाती है बाद नजरों की। फलामी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा क्यों सोचती हैं हमेशा? एक बात तो बताएं, मैंने सुना है कि उन दोनों बहनों को मोबाइल फोन रखने की इजाजत तक नहीं है। ये किस तकियानूसी खानदान में आप लोगों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है? यानी कि अब मुझे उससे बात करने के लिए कबूतर पालने पड़ेंगे। और मैंने तो यहां तक सुना है भाई, क्योंकि घर में दाखिल होते वक्त दरबान बकाया तौर पे मनादी करता है कि बीवियों पर्दा कर लो पर्दा, ना महरम हजरत अंदर आ रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं आपने उनके खानदान के बारे में इतना गलत कहां से सुन रखा है। धानी और छानी तो इतनी मिलनसार हैं, इतनी अच्छी हैं। अम्मी बताएं इनको, बस उनके अब्बा जरा सख्त है। और आपको ऐसी बातें कौन बताता रहता है? आपी, तुम उसका मोबाइल पकड़े यहां क्यों खड़ी हो? याद आ रहा है? सुबह बातें मत करो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसका फोन कैसे लौटाऊं। तोड़ के फेंक भी तो नहीं सकती, देखने में कितना कीमती लगता है। उसका कुछ पता भी नहीं है, कल आके मेरे सर पे खड़ा हो जाए, बोले मेरा मोबाइल वापस करो, तो क्या करूंगी मैं? हाँ मामला है तो बहुत टेढ़ा।
ज्यादा दिन इस फोन को अपने साथ रख भी तो नहीं सकते ना, किसी दिन पीजी आ गई और एकदम छापा मार दिया तो। ये तो परेशानी है, उसी उलझन में फंसी हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुमने सिम भी तो तोड़ दी ना, रहने देती, कॉल करता तो मैं उसे कहती आके अपना मोबाइल तो ले जाए। बस उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। सिम तो मामूली सी बात है, अगर वो मेरे सामने होता ना तो मैं उसका सर भी तोड़ देती। जानती हूँ। एक बात पूछूं आप ही, तुम्हें अमजद भाई कैसे लगे, मतलब तस्वीर में? तुमसे कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया करो, वो जैसा भी है ठीक है। ये क्या बात हुई भला, अब उनसे मंगनी हो चुकी है तुम्हारी, इतनी भी क्या लात आलू की? मुझे नहीं पता, जब भी उसके बारे में सोचती हूँ अजीब सी उलझन में पड़ जाती हूँ। एक अनजान लड़का, उसे कैसे हम लड़कियों का दामन बांध दिया जाता है और फिर हमसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि हम उस अजनबी को अपने ख्याल, अपनी सोच के दरवाजों पर पहरेदार बनाकर बिठाल दें। कितनी अजीब बात है ना। अगर आप ही अमजद भाई अब अजनबी तो नहीं रहे ना, बाकायदा मंगनी हो चुकी है तुम दोनों की, तो क्या मंगनी की अंगूठी सुंगली पे पहनने से अजनबियत खत्म हो जाएगी शानी? ये अचानक कौन से दोस्त आ गए तुम्हारे बाहर से? वो कुछ पुराने दोस्त हैं अंकल, कॉलेज टाइम के। अगर आपकी परमिशन हो तो हम पुरानी हवेली में रुकना चाह रहे हैं। They will enjoy it. हाँ, I have no problem. लेकिन नीचे वाले हिस्से में मेरा office establish हो रहा है, तुम्हारे दोस्त कहीं disturb ना? No problem अंकल, वैसे भी हमारा सारा काम छत पर है, हम तो बस मेरा कहना है हमें चलना चाहिए, that busy होगा कुछ में। इतनी जल्दी भी क्या है, कॉफी खत्म कर लूं? मैं तुम्हें कॉफी पिला दूंगा, let's go. हम शाम को ही मिल लेंगे, मामा को बता दीजिए। Sure, I'll tell. Thanks. Okay, अंकल. Thank you. वो रंगमल में कलीम साहब को पहुंचा दिया था माल? आज तो आज सुबह छोड़ आया था। वो तो कोई वसूली वगैरह भी यूएस बनी है से कि नहीं? हाँ कह रहे थे कि अगले हफ्ते भिजवाएंगे। तो 3 माह से वो अगले हफ्ते की रट लगा के बैठा है। अच्छा अगर अगले हफ्ते ना करे ना तो बता देना मुझे, उसका हिसाब जाके साफ कर देंगे। ठीक है उस्ताद। और ये देख उस्ताद, इस सदर बाजार वाले से भी ना पूरा 3,000 बाकी है, बहुत दिनों से टाल मटोल कर रहा है। तो तुम लोगों को क्यों रखा हुआ मैंने हराम खोरो? सारा दिन बैठ के रोटियां तोड़ते रहते हो, जाके उसकी हड्डी पर से तोड़ो। काम ही आ गया उस्ताद। आ गया तू नवाबजादे? 4 गुड़ियां लाने में तुमने सारा दिन लगा दिया। तू भी रंगीले की तरह जाके फिल्म देख रहा होगा कि? ओ खुदा की कसम राजा, मैं तो सीधा पतंग बाजार से वापस आ रहा हूँ, बस 2 घड़ी के लिए पहलवान लस्सी वाले के पास रुक गया था, 1 गिलास लस्सी का पीने। पता था मुझे ये तेरी जो लस्सी की प्यास है ना, ये किसी दिन बुझानी पड़ेगी मुझे। चलो तो शरीफ रखोगे, सारा दिन खड़े रहोगे मेरे साथ? राजा बड़ी हवेली में आज प्रोग्राम है, वो बर्गर फैमिली का। नहीं मामू ने तो कोई जिक्र नहीं किया, खैर है कोई खास बात है? हाँ उस्ताद गेट तो खुला हुआ था,
और बड़ी गाड़ी भी खड़ी थी छोटे सेठ की। मुझे लगा कोई पार्टी का सीन है और गोरियां भी देखने को मिलेंगी। तुझे बड़ा शौक है गोरियां देखने का, वो भी तुझे देखती है कि नहीं? यार राजा, मैंने सुना है कि गोरियां बालों वाला छतरा पसंद नहीं करती। उस्ताद हजार बार बोला मैंने इनको, मेरे बालों का मजाक मत उड़ाया करें। तेरा मेरा मजाक बनता इनका नहीं। वे, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा इंदा अगर तुमने इसके बालों का मजाक उड़ाया तो, समझा? ठीक है, मजाक नहीं उड़ाते। ले उस्ताद बेला, फिर मजाक कर रहे हैं उस्ताद। मजाक नहीं उड़ाया, बाल उड़ाए हैं। रंगीले रामखोर प्यार करते हैं तुझसे। ठीक है उस्ताद, तू कहते तो प्यार मान लेते हैं। आई लव यू, आई लव यू। आई होप दिस प्लान वर्क्स यार। हमने जो जुआ खेला है दांव पर लग जाए बस। आई होप सो। वैसे दो घंटे हो गए मैं यहाँ आए हुए और दूसरी तरफ मुकम्मल सन्नाटा है। वैसे तो हर 10-5 मिनट बाद अपनी मुर्गियों को देखने आ जाया करती थी। यार मैं भी यही सोच रहा हूँ। ओ माया, माया क्या क्या होगा? माया, उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। जब फोन करूंगा तो बता दूंगा कि तुम्हारे साथ शहर से बाजारों कैंपिंग के लिए एक दिन में आ जाऊंगा। चलो फिलहाल ये माया की टेंशन से अपनी जान छुड़ाओ एंड आई होप सो ये मुर्गी वाले की जब से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है यार। वैसे ये लोअर मिडिल क्लास वाले अपनी लड़कियों की मंगनी के बाद उनको पर्दा तो स्टार्ट नहीं करा देते? क्या बात कर रहा है, किससे पर्दा करेगी? वो अपने घर में पर्दा करेगी, उसका घर है वो। पता चला बड़ी हवेली में फिर मेहमान आए हैं। कौन आया? पता नहीं, मगर बहुत सारी बत्तियां जल रही हैं और मोहल्ले के बच्चों ने बताया है कि बड़ी हवेली में बहुत सारे मेहमान आए हैं बड़ी सी गाड़ी में। शानी पता लगाओ कौन आया है और अगर समीर या उसका दोस्त नजर आए तो उसको ही फोन दे देना। ना बाबा ना, मुझे डर लगता है, ना जाने कौन कौन होगा वहां और वो यहाँ क्यों आएगा, उसे तो उसकी पसंद मिल चुकी है। मेरा मतलब है भाड़ में जाए वो हमारी तरफ से। मैं तो कहती हूँ कि हवेली के चौकीदार बाबा को पकड़ा देते हैं, खुद ही पहुंचा देंगे उस हर जाए तक। पागल हो गई हो क्या? चौकीदार को क्या बोलोगे? कहाँ से आए फोन हमारे पास? पूरे मोहल्ले में बात खुल जाएगी, एहतियात से करने का काम है। अच्छा फिर मैं कुछ करती हूँ, पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि कौन आया है। अम्मा ये धानी दिखाई नहीं देती आजकल, आजकल उसकी आवाज ही सुनाई नहीं देती। क्या उसने अभी से सुघड़ मशहूर की लड़कियों की तरह एक्टिंग शुरू कर दी? चुप कर, हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता है। ए अम्मा, पीछे तो नहीं पड़ने दिया तूने? दुश्मनी कर दी अपने बेटे के साथ। दुश्मनी करें तेरे दुश्मन? माँ को दुश्मन कह रहा है नालायक कहीं का। राजा भैया, वो आज फिर बड़ी हवेली में
खूब रौनक हो रही है, क्या कोई पार्टी है फिर? हेलो, फिर से आ गए ब्योड़े उधम बचाने के लिए? नहीं, कोई पार्टी है, दावत वगैरह नहीं है। पूछा था मैंने बाबू चाचा से, उसे भी कुछ पता नहीं। आए होंगे अपने इलेक्शन के काम वाम देखने के लिए। एक नया मशगला जो हाथ आ गया इनके, वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली मिसाल है। मगर फिर भी बीजी, आखिर पता तो चले ना कि कौन आया है, चक्कर क्या है? तुम्हें इससे क्या, कोई आए कोई जाए, और क्या चक्कर है? और देखो खबरदार, धानी के साथ मिलकर दोबारा पतंगों का पेचा ना लड़ाने बैठ जाना उनके साथ। अरे बीजी, अब रात के इस पहर तुम छत पर जाकर पतंग उड़ाने से रहे, मैं तो सिर्फ मालूमात के लिए पूछ रही थी। हाँ, वो रंगीला बता रहा था कि बड़े साहब का बेटा और उसके कुछ दोस्त आए हैं। अम्मा, ये बड़े लोग भी अजीब होते हैं। हम लोड शेडिंग और मच्छरों से बचने के लिए उनके बड़े बड़े घरों को हसरत की निगाह से देखते हैं, और वो सब लोग यहाँ के पड़े रहते हैं। तुम्हें इससे क्या, पड़े हैं तो पड़े रहने दो। तुमने खाना खा लिया है ना, तो जाओ जाकर अब सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना। अच्छा अम्मा, मैं सोने जा रहा हूँ छत पे। कमरे में तो पता नहीं कब लाइट आए कब जाए, और खुदा के वास्ते सहरी के टाइम उठाने मत आ जाना, रोजे भी बहुत दूर हैं। सोने देना मुझे। जाओ जाओ सो जा जाके। अब नीचे ये पहरेदार कहां से आ गया यहां पे? What the hell यार, अब अगर वो आ भी गई तो मैं बात कैसे करूंगा? चल सैम, अब कुछ नहीं होने वाला, तेरी लैला नहीं आने वाली अब। चल आजा, चले यार, चल आजा। Sam, Not fair, Samir. धानी, ओ धानी, अरे बेटा छत पे जाके उसे राजा को जगा दे। तेरे अब्बा सुबह की सैर से वापस आएंगे ना, तो उस बेचारे को डांट पड़ जाएगी। जा शाबाश। बीजी आप शानी को भेज देना, मुझे वैसे भी सहन में कबूतरों को दाना डालना है। क्या करती है लड़की है, वैसे तो मुर्गे की पहली अजान पे भागी चली जाती है छत पे, और अब मैंने काम कहा है तो बहाने कर रही है। चल जा जल्दी से उसे जगा जाकर, कबूतरों को दाना बाद में डाल देंगे, जा जल्दी। अच्छा जा।
राजा राजा उठो बीजी, कब से आवाज दे रही है? राजा क्या मुसीबत है यार? राजा दो घड़ी उठो, इस घर में खराब है। उठ जाओ बीजी, तुम्हें कब से आवाज दे रही है? घोड़े बेच के सो रहे हो तुम, मक्खन खत्म हो गया, जाओ जाके लेके आओ, पराठे बनाए बीजी ने, जाओ जाओ। राजा भैया तुम अभी तक यहीं खड़े हो, अपा नीचे पहुंच चुके हैं, जल्दी चलो। तेरी मामू ने पूछा तो नहीं मेरा? अभी तक तो नहीं पूछा, अगर उन्हें टाइम पे बीजी ने पराठा ना दिया ना फिर जरूर पूछेंगे। चलो मैं बस लपक के यूं नाश्ता लेके आया, तुम लोग पहले नहीं आ सकती थी? हाँ कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम लोगों का। ओफो अभी तो चलो ना। हाँ जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। सुनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? मैं जानता हूँ तुम अभी तक गुस्से में हो, सिर्फ एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए रात भर से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। तो एहसान नहीं किया तुमने मुझ पे, क्या जरूरत है तकलीफ करने की? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ। बात तो मैं तुमसे करके जाऊंगा, वरना यही पड़ा रहूंगा। सारे घर का काम वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, ये लड़की आ रही हूँ बीजी, जरा भी फिक्र नहीं है। देखो अपना ये मोबाइल वापस लेके जाना और जल्दी चलो ना, अभी पीछे बुला रही है, जल्दी। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, अपना ये मोबाइल यहाँ से लेते जाना, शानी पहुँचा देगी तुम्हें अब्बा और राजा के जाने के बाद, और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ का रुख मत करना। अगर ये बात है तो मेरी बात भी गौर से सुन के जाओ, जब तक मेरी तुमसे बात नहीं होगी मैं यही पड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए यही रहूंगा। अब तुम मेरी जिद से अच्छी तरह वाकिफ हो, बल्कि अब से मेरा बसेरा मेरी अपनी छत नहीं तुम्हारी छत पर होगा। चलो ना अभी जल्दी चलो। बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।